हेलो गाइस, वेलकम टेक्निकली एसके यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संदीप कुशवाहा। क्या आप जानते हो, डू यू नो, कंप्यूटर या ब्राउजर कैसे समझ जाता है कि आपने कौन सा की प्रेस या कोडिंग किए हो? जैसे कि कोई सा भी की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, सो कंप्यूटर कैसे समझ जाता है, या ब्राउजर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है क्रोम, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, ये है मोजिला, एंड ए है सफारी, ए है बेरा। सो ये कैसे समझ जाते हैं कि आपने कौन सा कोडिंग किया है? तो जो भी है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टर सेट का, कैरेक्टर सेट कैसे करते हैं। तो कैरेक्टर सेट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैरेक्टर सेट क्यों किया जाता है। इसको करने से क्या फायदा होगा। जैसे कि यहाँ कैरेक्टर सेट करने के लिए आपका ये जो है हेड सेक्शन में आपको मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 ये यूज करना होगा। तो इसका फुल हिस्ट्री आज मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे आया। तो स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें एंड तक, ताकि आपको समझ आ जाएगा कैरेक्टर सेट का फंडा। पूरा एंड तक देखना, आपको हिस्ट्री सारे डिटेल्स पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनना मैन्युफैक्चर शुरू हुआ, उस टाइम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के पास 60 तरीका था कंप्यूटर में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। कैरेक्टर समझना होगा, कैरेक्टर क्या होते हैं। कैरेक्टर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दो, इस साइड में कैरेक्टर है एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ए भी है, इसमें 2 कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे भी है, लाइक है, इसमें कितना लेटर है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 कैरेक्टर हो गया। ये नंबर में भी आता है, जैसे यहाँ पे 5 5 है, इसमें 2 कैरेक्टर है, एंड सिंबल्स में भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 सिंबल्स है, इट मीन्स 1 कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर आप लोगों को समझ आ गया। बट यहाँ पे जो भी कंप्यूटर में 60 ही तरीका था रिप्रेजेंट करने का कैरेक्टर्स को, बट उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि कोई भी मशीन्स एक दूसरे से, ईच अदर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। देन क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड का कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर का एक मीटिंग हुआ कैरेक्टर कोड सेट करने के लिए। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ जिसका अच्छा सिंपल कोड होगा उसी को मान्यता दिया जाएगा, वो था आस्की। तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, आस्की। एंड एक उस टाइम वर्ल्ड फेमस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स IBM था। IBM एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स है जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन बोलते हैं। उस IBM इंजीनियर बॉब बेमर प्रपोजल सेंड ANSI को। ANSI मीन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, टू डेवलप सिंगल कोड फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेट। देन ANSI ने कम्युनिटी बनाया अंडर लीडरशिप ऑफ जॉन। तो आफ्टर 2 ईयर्स मीन्स 1963 में कमिटी मेंबर्स ने 7 बिट का हार्डवेयर बनाया जिसमें लिमिट था, ओनली कैन क्रिएटेड 128 कैरेक्टर्स, उसमें 128 कैरेक्टर्स को क्रिएट कर सकते थे। बट दैट वाज नॉट इनफ टू क्रिएट अ ग्लोबल सिस्टम, बट उससे कोई काम चलने वाला नहीं था। देन क्या हुआ, उसी ईयर में, देन दैट ईयर मीन्स इन 1963, आस्की ने रिलीज किया कॉमन लैंग्वेज अमंग कंप्यूटर्स जो कि 128 कैरेक्टर का था, जिसमें अल्फाबेट लेटर्स, नंबर, पंचुएशन मार्क एंड कंट्रोल कोड था, एंड हर एक के पास एक स्टैंडर्ड नंबर वैल्यू था। एग्जांपल में जैसे कि ए के पास 65, बी के पास 66, सी के पास 67, जैसे कि स्मॉल लेटर में सी एन के पास 110 स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वैल्यू, स्मॉल पी के पास 112, स्मॉल एच के पास 104, और भी बहुत सारे हैं। सो 128 तक, इट मीन्स 127 तक यहाँ पे को मिलेगा इस आस्की में। बट इसमें भी बिगेस्ट वीकनेस था कि इसमें नॉन इंग्लिश लेटर एग्जीक्यूटेड था।
देन इन 1968 में आस्की ने स्प्रेड किया इंटरनेट एज इट इज द बेसिस फॉर कैरेक्टर इन ईमेल, ओके, मैसेजेज एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, ओके, सो आस्की के पास। एंड देन इन 1981 में आईबीएम ने डेवलप किया एक्सटेंशन जो 8 बिट पे आस्की कोड था, उसको कोड पेज 437 भी बोलते हैं, ओके, इसमें एडेड हुआ न्यू सिंबल्स, ओके, सो न्यू सिंबल्स एड हुआ, साइन हुआ, ग्राफिक लैटिन लेटर का एड किया गया। इसमें आस्की कैरेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम 128 टू 255, उसमें और भी एड किया गया जो कि आस्की कैरेक्टर रेंजिंग फ्रॉम 128 टू 255 हुआ, ओके। देन आस्की के पास टू सेट हुआ, ओके, सो फर्स्ट था स्टैंडर्ड आस्की कोड, ओके, तो इस कोड में फर्स्ट था 0 टू 127 इन डेसिमल और 00 टू 7F इन हेक्साडेसिमल, ओके। सेकेंड में एक्सटेंडेड आस्की कोड हुआ, ओके, सो इस कोड में 0 टू 255 इन डेसिमल और 0 टू FF इन हेक्साडेसिमल में आस्की ने कैरेक्टर सेट को बनाया। देन उसके बाद, बट इतना में तो पूरे वर्ल्ड का सारे कैरेक्टर नहीं हो पाएगा, पूरे विश्व में कितने लैंग्वेज है उन सबको भी एक करने के लिए एक संघ बना, यूनिकोड, ओके, यूनिकोड कंसोर्टियम मींस यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ओके, जिसने वर्ल्ड का ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज का कैरेक्टर कोड दिया एंड दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराया। तो इसमें भी UTF-8 है, UTF-16 एंड UTF-32 भी है, तो मैं आप सभी को UTF-16 तक बताऊंगा, ओके, तो यहाँ पे है UTF-8, UTF-8 में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर यूज हुआ, ओके, तो इस कैरेक्टर्स को UTF-8 में 1 to 4 bytes लॉन्ग होता है एंड UTF-8 इज प्रेफर्ड इनकोडिंग फॉर ईमेल एंड वेब पेजेज, ओके, ईमेल पे एंड वेब पेजेस पे इनकोडिंग किया गया है UTF-8। UTF-16 क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग हुआ है, ओके, एंड UTF-16 इज यूज इन मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, एनवायरनमेंट लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जावा एंड नेट में इसका इनकोडिंग का रिप्रेजेंट किया गया। And HTML4 supported UTF-8 and HTML5 supported both UTF-8 and UTF-16. Okay. India ने भी ऐसे ही कोड बनाया जो कि इसकी, okay, it means Indian script code for information interchange. Okay. So इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ, देवनागरी, बंगाली, गुजराती, आसामी, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड ETC, और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे इनकोड किया गया है, ओके, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कोडिंग कैसे होता है, जो कि लोग यहाँ पे जो भी यूनिकोड रहता है उसको कैसे कैसे कंप्यूटराइज किया रहता है, ओके, जैसे कि सपोज मान लीजिए ए है 65, बी है 66, सी है 67, वैसे ही जो नंबर आता है यूनिकोड डेसिमल नंबर, ओके, जैसे कि यहाँ पे एक है स्ट्रिंग है, ए है, हेलो, ओके, तो एच का जो यूनिक डेसिमल नंबर है 104, ई का 101, एल का 108, ओके, एन ओ का 111, ओके, तो इसमें जो भी होता है सारे चीज को बाइनरी नंबर पे स्टोर करता है, ओके, जो बाइनरी नंबर होता है UTF-8 में बनाया गया, ओके, इसी टाइप से स्टोर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे स्मॉल लेटर का ये नंबर है, ओके, लेटिन स्मॉल लेटर ही है। इफ द वीडियो इफेक्टिव फॉर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टेक्निकली एसके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।